Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। भारत ने वैक्सीन कोविशील्ड के 20 लाख डोज ब्राजील को भेजे थे। इसकी पहली खेप शुक्रवार को ही ब्राजील पहुंची। हाल ही में ब्राजील ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया था। भारत में कोविशील्ड को भी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने ही तैयार किया है, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। भारत से ब्राजील को होने वाले टीकों के निर्यात के लिए धन्यवाद दिया है। खबर है झारखंड के धनबाद से। 1400 किसानों का 50,000 रुपये तक कर्ज होगा माफ। फरवरी से लिए जाएंगे कृषि ऋण माफी योजना का आवेदन। किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि ऋण माफी योजना का लाभ जल्द ही जिले के किसानों को मिलेगा। वित्त वर्ष 2019-20 व 2020-21 में 50,000 रुपये तक कर्ज लेने वाले किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला कृषि विभाग से निबंधित किसान जिन्होंने खेती के लिए केसीसी से 50,000 रुपये तक कर्ज लिया था और किसी कारण चुका नहीं पा रहे हैं, उन्हें सीधे तौर पर कर्ज से मुक्त करने की तैयारी है। जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन इक्का के अनुसार केसीसी से कर्ज लेने वाले किसानों की सूची तैयार करने का काम जारी है। जिले के करीब 1200 से 1400 किसानों को सीधे तौर पर योजना का लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसान इस योजना के दायरे में आएंगे। योजना का लाभ एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। परिवार में अगर एक से ज्यादा सदस्यों ने ऋण ले रखा है, ऐसे परिवार के लोगों को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उनके एक का ऋण माफ करने के लिए दूसरा सदस्य एनओसी प्रदान करें। योजना के तहत ऋण माफी के लिए आवेदन देने वाले किसानों से 1 रुपया सेवा शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। पैसा सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार से बेहतर संबंध सुधारने की कवायद में जुटे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में अपने प्रयास तेज किए हैं। इस सिलसिले में वह 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड की सत्ता में अहम सहयोगी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता से मुलाकात कर उन्होंने सहयोगी दल संग बेहतर संवाद कायम करने की कोशिश की है। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ महीनों से झारखंड में कांग्रेस के विधायकों के अलग अलग सुरों से गलत संदेश जा रहा था। हेमंत सोरेन ने हाल ही में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के साथ भी बातचीत की थी। आरपीएन सिंह ने विधायकों के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की तरफ से सरकार को हर मोर्चे पर सहयोग का भरोसा दिलाया। कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में अब जमीन विवाद सुलझेगी, सभी 24 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्ति। झारखंड में अब जमीन से जुड़े मामलों में सुलझाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने सभी 24 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्ति किया है। पार्टी अब जमीन विवाद के मामलों को निपटारा के लिए अंचल कार्यालयों में कैंप लगाएगी। हालांकि कांग्रेस की इस पहल को राजनीतिक गलियारों में शक की निगाहों से देखा जा रहा है। इसकी एक वजह है कि पार्टी के किसी मंत्री के पास नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भू राजस्व विभाग है। पार्टी के प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव का कहना है कि पर्यवेक्षकों को पार्टी की ओर से टास्क दिया गया है। वे अपने अपने जिलों के अंचल कार्यालय में कैंप लगाकर जमीन संबंधित विवाद पर लोगों से आवेदन इकट्ठा करेंगे। पहले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इन आवेदनों पर अपने स्तर से पहल करते हुए मामलों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। नहीं सुलझने पर लोग कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 125 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,18,012 हो गई। राज्य के 1,18,012 संक्रमितों में से 1,15,853 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 1,102 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है, जबकि 1,057 अन्य की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 14,218 नमूनों की जाँच की गई, जिनमें से 125 संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में से रांची में 65, पूर्वी सिंहभूम में 17 एवं पलामू तथा सिमडेगा में 7-7 लोगों संक्रमित पाए गए। झारखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में डर, 56% लोगों ने अब तक लगवाया है टीका। झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों के बीच कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर डर बना हुआ है। देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद
अभी तक इनमें से केवल 56% ने ही वैक्सीन लगवाई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 48 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत हुई है और पिछले एक सप्ताह में 4,970 स्वास्थ्य कर्मचारी का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक राज्य में इनमें से केवल 2790 लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। टीकाकरण के लिए राज्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजित प्रसाद ने कहा, शुरुआत में वैक्सीन के बारे में कुछ गलत धारणाएं थी, अब धीरे धीरे डर और गलत फहमी दूर हो रही है। अगले सप्ताह से टीकाकरण की गति बढ़ जाएगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण के दिन निर्धारित किए गए हैं। झारखंड के राजधानी रांची सहित बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर में पेट्रोल व डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। 22 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 19 पैसे और डीजल के दाम में लगभग 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर है। धनबाद में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 79 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर है। बोकारो में पेट्रोल का दाम 84 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर है। जमशेदपुर में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 79 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली के जैसा ही अब झारखंड में भी सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर नहीं होगी कोई पूछताछ, सरकार 2,500 भी इनाम देगी। आमतौर पर लोग सड़क हादसे में घायलों की मदद करने से कतराते हैं, वे डरते हैं कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर कई कानूनी औपचारिकता से गुजरने पड़ेगी। कोई भी घायलों की मदद करने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए आगे नहीं आते, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। दरअसल हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर झारखंड सरकार उन्हें 2500 रुपये का इनाम देगी, उन्हें ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग से 31 जनवरी तक इस आशय का प्रस्ताव मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि सरकार की इस कोशिश से लोग सड़क हादसे में घायलों की बेझिझक मदद करेंगे। घायलों को समय पर मदद मिलेगी तो बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यही नहीं, अब इस योजना के तहत घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। खबर है झारखंड के दुमका से। शिकारी पड़ा में पिकअप वैन में लदा अवैध कोयला और 50 पीस सकवा की लकड़ी बरामद। शिकारी पड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरापुर चित्रा कुंडी वन क्षेत्र से बीती रात वनपाल रघुनाथ देहरी के नेतृत्व में वन कर्मियों की टीम ने कोयला लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। पिकअप वैन से चालक तथा लोडिंग में लगे अन्य व्यक्ति फरार हो गए। वनपाल की टीम ने कोयला लदे पिकअप वैन को शिकारी पड़ा वन कार्यालय ले आया गया। बताते चले कि एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी घटना है जब वह वन क्षेत्र से कोयला परिवहन में लगे पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। इससे इस बात की पुष्टि होती कि शिकारी पड़ा क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से की जा रही है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।